हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकिता आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। गाजर ले रखी है और इसको अच्छी तरीके से धो के छिल लिया है। और ये मोटी गाजर है क्योंकि हलवे के लिए मोटी गाजर चाहिए होती है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो सारी गाजर हमने कद्दूकस कर ली है। तो अब चाहिए हमें दूध। तो 1 किलो गाजर के लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध। तो ये हमने 1 किलो दूध ले लिया है। तो अब जला देते हैं गैस। जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई अभी गर्म हो रही है। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। बना रही हूँ। धीरे धीरे से इसे चलाते रहेंगे ताकि उबले ना। लोकल घी है तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि इससे हलवा और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसमें डालूंगी मैं इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दिए घी के। इस दूध को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक जितना है उसका आधा ना हो जाए। इसको भी मैं चलाते रहूंगी। और इधर हो गया है, घी भी गर्म हो गया है। तो अब डालूंगी मैं इसमें गाजर। अब गाजर को हम 5-6 मिनट तक पकने देंगे ताकि जितना भी गाजर में पानी पानी हो जब तक वो ना सूख जाए तब तक हम इसको पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। हाँ, दूध उसका आधा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो कि आप मीठा कितना खाते हो। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली है। अब चीनी को गाजर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। का हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। फाइनली हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके से गाजर का हलवा बना सकते हो। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अंकिता मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।